हेलो वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ है हमारा 20x40। जिसकी फ्रंट है वो हमारी 20 फीट है, जिसकी डेप्थ है वो हमारी 40 फीट है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 BHK सेट। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको भी अपना नक्शा बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको फुलफ़िल करके आपको सेंड कर देते हैं। जब तक आपको नक्शा पसंद नहीं आता है हम उसमें चेंजेस करते रहते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मेन डोर है, हम यहाँ से एंट्री करते हैं। जैसे आप यहां से एंट्री करते हैं आपको बाइक के पार्किंग की स्पेस हमने दे दी है। इसी के साथ आपको देखने को मिलता है यहां पर 3 फीट का स्टेयरकेस जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाएगा। ये हमने यहां पर दे दिया है, ये हमने बाहर के बाहर से इसलिए दिया हुआ है अगर आप इन फ्यूचर ऊपर वाला रेंट यानी कि फर्स्ट फ्लोर रेंट पे देना चाहें, ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे देना चाहें तो आप दे सकते हैं, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बाहर के बाहर से चला जाएगा। इसके इधर ही हमने बनाया हुआ है ड्राइंग रूम, इसका डोर हमने यहाँ से 3.5 फीट का बाहर से दिया हुआ है। ड्राइंग रूम का साइज़ है हमारा 11 फीट बाय 9 फीट का हमने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलता है 3.5 फीट का एक और डोर जो कि आपको अंदर हाउस लॉबी में लेकर जाता है। इसी के साथ हमने इसमें दे दी है 5 फीट की विंडो ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। अब इस डोर से हम अंदर चलते हैं। जैसे आप अंदर जाते हैं आपको देखने को मिलती है यहाँ पर सबसे पहले लॉबी, जिसका साइज हमने दिया हुआ है यहाँ पर 13 फीट बाय 11 फीट की हमने लॉबी बनाई हुई है। लॉबी के इस साइड आपको देखने को मिलती है टॉयलेट, जिसका डोर हमने यहाँ से 2.5 फीट का दे दिया है। टॉयलेट का साइज़ है हमारा 6 फीट बाय 4 फीट की हमने टॉयलेट बनाई हुई है। टॉयलेट हमने ने किचन के बराबर में इसलिए बना दिए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो हम कहीं और बना देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं किचन की। किचन के लिए हमने यहाँ पर 2.5 फीट का डोर दे दिया है, हम इससे एंट्री करते हैं। इस किचन का साइज़ है हमारा 6 फीट बाय 7.5 फीट के इन्होंने किचन बनवाई है हमसे। और इसी के साथ आपको देखने को मिलता है इसमें एल साइज़ की स्लेब जो कि हमने डाली हुई है। बात करते हैं बेडरूम की। तो ये रहा हमारा फर्स्ट बेडरूम, जिसका डोर हमने यहाँ से 3.5 फीट का दिया हुआ है। इस बेडरूम का साइज़ है हमारा 9 फीट 3 इंच बाय 14 फीट 4 इंच का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है यहाँ पर कॉर्नर में ही हमने दे दी है यहाँ पर विंडो जो कि हमने 5 फीट की दी हुई है ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। अब चलते हैं सेकंड बेडरूम पर। सेकंड बेडरूम का डोर हमारा ये रहा 3.5 फीट का। इस बेडरूम का साइज़ है हमारा 9 फीट 7 इंच बाय 12 फीट का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है एक और डोर जो कि आपको ओपन में लेकर जाती है। ये जो पीछे का ओपन एरिया है आप इसको वॉशिंग के लिए भी रख सकते हैं, यानी कि अपने कपड़े वगैरह यहाँ पर धो सकते हैं। इसी के साथ आपको इस बेडरूम में देखने को मिलती है 6 फीट की विंडो ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। तो 20x40 के प्लान में मैंने आपको सभी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट से मैच हो रही हैं तो आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको फुलफ़िल करके आपको सेंड कर देते हैं। जब तक आपको नक्शा पसंद नहीं आता है हम उसमें चेंजेस करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।